क्या कर रहे हो? तो पानी मत गिरा, बड़े थैले में डालो। क्या चीज वो? हाँ, उसको सब दबा करके, माला ही है, दबा दबा के रखिए, थैले में डाल दो उसको। नहीं बन रहा ज्यादा? अरे नहीं तो एक और वहाँ पे पॉलिथीन है, ऐसी कैरी बैग जैसे है, तो उसमें डाल दो। दो जगह हो जाएगा ना। मैं क्या बोल रही हूँ, कोई भी एक थैले में डालो। एक वो बड़ी है, दूसरी है जो है वो बड़ी, उसमें डाल दी। हाँ डाल दो, जिसमें एक में आए उसमें डाल दो। और नया वाला बाद में रखना, पहले पुराना वाला भरना अंदर। लो पता नहीं, चेक करो भर के देखो, तब तो पता चलेगा। मेरी बेबी की स्किन केयर की, आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं ऐसे प्रोडक्ट परचेज करूं जो मेरी बेबी के जेंटल स्किन को सूट करे, कंफर्टेबल हो और सेफ भी हो। एंड टुडे आई वांट टू शेयर अ लिटिल सीक्रेट दैट हैज बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉन्डिंग रूटीन। इट इज ऑल अबाउट लव लव बेबी वाइप्स। ये बेबी वाइप्स काफी इफेक्टिव है और बेबी की डेलिकेट सेंसिटिव स्किन के लिए काफी जेंटल भी है। इसका सॉफ्ट टच मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इससे जब भी आप बेबी के फोल्ड्स को, क्रीज को वाइप करते हैं, लेग्स को वाइप करते हैं, इवन हैंड्स एंड फेस को भी, तो आपको बहुत ही स्मूथ टेक्सचर फील होता है। काफी सॉफ्ट फैब्रिक है और जैसा जेंटल टच हम अपने हाथ से फील करते हैं कि बेबी को होना चाहिए, बिल्कुल वही टच आपको इन वाइप्स के साथ में भी। अदर साइड ये है पैराबेन फ्री, एल्कोहल फ्री एंड ऑल्सो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड बेबी वाइप्स। इसमें आपको मिलता है विटामिन ई, कैमोमाइल एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, जो कि बेबी की स्किन को काफी सूट करता है, काम रखता है एंड मॉइस्चर भी मेंटेन करता है। सो इट इज लाइक अ मिनी स्पा फॉर हर लिटिल हैंड्स एंड फेस। बीइंग अ मदर, इट इज अ जर्नी ऑफ लव एंड केयर। And with Love Lab Baby Vibes, I can provide gentle care while strengthening the emotional bond with my precious baby. So to all the incredible moms out there, I would highly recommend this product. They are more than just wipes and a symbol of the bond between the mother and the baby. आज क्या है? आज है 15th of August है, 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है और आपका ये second है स्वतंत्रता दिवस। Last year आपका first तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे ही घूम के आएंगे, टहल घूम के आएंगे। नहीं जाओगे आप? नहीं जाओगे। किसके साथ जाओगे? मम्मा के साथ जाओगे। हाई फाई, हाई फाई। और सबसे ब्यूटीफुल कौन है? हु इज द ब्यूटीफुल? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, लव यू, लव यू। हाँ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, beautiful। बनाना खा लो, खा लो, खा लो बनाना। नहीं खाएंगे। अभी कुछ दिन पहले मुझे स्किन पर एलर्जिक इन्फेक्शन हो गया था, देन उसके बाद में वो ठीक हुआ और फिर बहुत सारे पिंपल्स आना स्टार्ट हो गए मेरे स्किन पे। इतनी क्लियर थी कुछ दिन पहले, लेकिन अभी सडनली इतने पिंपल्स और इतने पेनफुल पिंपल्स। ओ माय गॉड। हाय चीकू, कहाँ आ गए हम? फाइनली हम आ गए हैं वादी पानीपुरी स्टॉल पर, पूरे डेढ़ साल के बाद आ रहे हैं ना हम यहाँ पे। चीकू आप 6 मंथ इनसाइड थे। सुपर एक्साइटेड एंड क्यूरियस टू नो एंड हैव। डेढ़ साल हो गया यार। सबसे एक्साइटेड है। हाँ
आके बताती है आज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। प्लीज़ पानीपुरी देखो, भीड़ देखो कितनी है। आज हम सही टाइम पे आ गए हैं वैसे मुझे लग रहा है, हमेशा लेट आते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है यहाँ पे, बहुत भीड़ होती है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पानीपुरी स्टॉल इन नागपुर। तो चलो जल्दी से खाते हैं और फिर बताते हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वाला एक्सपीरियंस हमारा कैसा है। पूरी तो बहुत यम थी, मैंने खट्टा पानी भी खाया और खट्टा मीठा भी खाया और फिर उसके बाद हम निकल गए। तो बस रास्ते में डेकोरेशन देखते हुए कहीं रुके नहीं, बस एक लॉन्ग राइड के लिए गए हाईवे पे और फिर वापस आ गए बैक टू होम। साइड वाला पिंपल ना मेरे फेस पे इतना बड़ा हो गया था कि फेस क्लीन करने के टाइम पर ही ये पूरा एक्सट्रैक्ट हुआ और अब इस पे ऑइंटमेंट लगाएंगे।
नेक्स्ट डे वॉज फुल ऑफ हैक्टिक यार, लाइफ में इतने सारे चेंजेस हैं एवरी डे के, सो मैंने पूरा रूटीन रिकॉर्ड नहीं किया. लंच में मैंने बनाई थी दाल, लौकी की सब्जी, करौंदे की चटनी यमी यमी, एंड सैलड था, राइस था, रोटी बाद में बनाई थी. इसके बाद बस खाने का सिलसिला शुरू ही रहा, और इवनिंग में मैंने बनाई नूडल्स, और ये हमारे लिए मैंने बनाई थी नूडल्स, नॉर्मल नूडल्स थी, जो किंग्स चाइनीज, देसी चाइनीज, ये वाला हक्का नूडल्स जो होते हैं उससे मैंने बनाई थी. एंड अन्विका के लिए भी मैंने नूडल्स बनाया था, अभी दिखाती हूँ. सेम वेजिटेबल चॉप करी मैंने लिटिल सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर के साथ में मैंने बनाया ये नूडल्स. लव फार्म का मिलेट नूडल्स था, फॉक्सटेल मिलेट का, और इसका टेस्ट ही एकदम अलग था. मतलब सच में मैंने खुद खाया और मुझे समझ में आया कि ये कुछ अलग है. ये ना तो एग्जैक्टली आटा है, ये ना तो मैदा है, ये कुछ अलग है और बहुत ही अलग टेस्ट था. बालों में पता है हेयर बैंड लगा था, फिर मैंने निकाल के चीकू कह रहे हैं नन्नू को लगा दिया, उसका एक हेयर बैंड मिसिंग था सेम स्टाइल का. तो अभी वो गई स्कूल और चीकू उठ गई थी. अरे चीकू उठ गई, बदमाश हो गया, इतना फ़ोन देखना जरूरी है तुमको. ये रोटी है, ये राइस है, दाल है, सब्जी है, रोटी है, राइस है. अच्छा लग रहा है क्या? अभी इसको इच में डिप कर लो, इच में डिप कर लो, हाँ इच में डिप कर लो, ऐसे खाओ, ऐसे डिप करके खाओ, हाँ हाँ खाओ, वेरी गुड. ऐसे ही सीखते हैं खाना खाना, ऐसे ही सीखते हैं. खाओ खाओ. कोई बात नहीं, गिरने दो, गिरने दो, खाओ. हाँ राखी आ गई है, तो मैंने दोनों बच्चियों के लिए त्योहार स्पेशल लिया है अमेज़न से, सुपर मिनीज ब्रांड का ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा फेस्टिव शरारा सेट. बेबी गर्ल्स हों या फिर हमारी किड्स गर्ल्स, सभी के ऊपर ये बहुत खूबसूरत लगता है. कंफर्टेबल भी है बिकॉज कॉटन मटेरियल है, एंड इसके डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा प्रीटी है और एक अच्छा सा फेस्टिव वाइब भी दे रही है. और पिंक कलर तो वैसे ही यार फ्लोरल प्रिंट है, पिंक कलर है और क्या चाहिए गर्ल्स को, तो मज़ा आता है. ऑल्सो मैंने परचेज़ की है राखी IGP से, ये किड्स फ्रेंडली राखी है. और इनको दे देंगे यहाँ for your wealth, health, for the whole family, for the success, for everything. Our blessings are with you.